अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अमान। आप देख रहे हैं अमान ट्रैवल एंड फूड। आज हम आपके लिए एक नई डिश लाए हैं और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से दोस्तों ने ये बिल्कुल नहीं खाई होगी पहले। बिल्कुल सिंपल सी डिश है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और ये डिश बेसिकली है चिकन की, चिकन प्याज चिकन भी हम इसको कहते हैं। और ये बनती है, इसमें जो हमें मतलब चीज़ें चाहिए होती हैं, इसमें हमने अभी जो लिया है तकरीबन 2 चिकन हैं जिसका वेट बन रहा है तकरीबन 4 किलो। इसके अलावा प्याज, हरी मिर्च और लीमू, ये दुम्बे की लाट की चर्बी है, हमें चाहिए होगा थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, और ये है काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, नमक और कुकिंग ऑयल। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, इतना कि बस उसमें वो तर हो जाए। इसमें हमने डालनी है ये चर्बी, दुम्बे की चर्बी जो कहते हैं, ये हम थोड़ी इसमें डाल लेंगे, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा ये जो है ना इसमें मिक्स करना है, ये इसकी जो पिघलने लगी है चर्बी, तो इसकी अपनी खुशबू जो अरोमा है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसे कि जब हम दुम्बे का भी गोश्त बनाते हैं तो उसमें सारा कमाल जो है ना इसी चर्बी का होता है, इसलिए कि इसका जो टेस्ट होता है, इसकी जो खुशबू होती है, तो वही जो है ना उसका मतलब वो जो ज़्यादा मज़ा होता है वो इसी का होता है। इसके साथ अब ये जो है ना जो हमने बड़ा बड़ा प्याज काटा था ये सब हम डाल लेंगे। और इसको फिर पकने देंगे घाम के, हमने डाम लिया इस पर जो है ना थोड़ी देर हमले रखेंगे, इसको बिल्कुल ब्राउन होने नहीं देंगे, इसको थोड़ा सा जो है ना मतलब है कि वो वाइट सी हो जाए और प्याज नरम हो जाए, फिर हम इसमें फर्दर गोश्त डालेंगे। अब ये चूँकि अलग भी हो गया, नरम भी हो गया, तो अब इसमें हम डाल लेते हैं ये चिकन सारा का सारा। ये और इसको हमने कर देना है इसमें मिक्स। अब इसके साथ हमने डालना है ये अदरक लहसुन जो हमने कुटी हुई है या उसका जो पेस्ट आपके पास हो, ये जो 2 नींबू हमने आधे काटे थे ये इस पर इसी तरह निचोड़ देने हैं और डाल देने हैं। बाकी हमने जो है ना इस पे ये हरी मिर्च और लीमू के जो स्लाइसेस हैं वो डालने हैं, साथ में हमने जो नमक लिया था इसमें एक बात का ख्याल रखें कि नमक इसमें ज़्यादा ना डाली, इसलिए कि लीमू और जो ये चर्बी होती है उसकी अपनी भी जो है ना थोड़ी सी टेस्ट नमकीन होती है, तो बस इतना ही नमक डालें, मैक्सिमम मेरे ख्याल 1 से 1.5 चम्मच। और ये हमने डाल लिया काली मिर्च पाउडर, ठीक है। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और उसके बाद हम इस पे ये रख देंगे ढक्कन, बंद कर देंगे और इसको पकने देंगे। जब तक ये पकता है हमने ये जो ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को हम जो है ना तवे पर फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद जब आखिर में जब ये पक जाए तो उसके ऊपर पकने से थोड़ी देर पहले ही हम डालेंगे। हल्का सा हमने भून लिया, अब इसको जो है ना हम तवे से उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडे होने पर इसको जो है ना फिर हम हाथ में क्रश करके इसमें मिक्स करेंगे। जब तक चिकन बनता है हम ये चकोतरे का देसी स्टाइल से जूस निकाल लेते हैं। अगर आपके पास जूस एक्सट्रैक्टर नहीं है तो आप इस तरह भी ये निकाल सकते हैं। काफ़ी चूँकि खट्टा होता है इस तरह तो नहीं पी सकते, मैंने थोड़ा सा इसमें
नमक डाल लिया, टेस्ट करते हैं। मेरा तो फेवरेट है, आपका पता नहीं, खुद ट्राई कीजिए देखिए। अच्छा ये हम इसकी भी हवाल ले लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा हम फिर ज़रा मिक्स कर लेते हैं, इसलिए कि ताकि जो सारी बोटियाँ हैं वो एक ही तरह से पक जाए। ढांप लेते हैं, काफ़ी हद तक पक गया है, बल्कि पकने तैयार होने के करीब है। तो हमने जो ये काला ज़ीरा जो है ये भुना हुआ था, और इसको थोड़ा सा हाथ में ही मैदा कर दिया था, ये इसके ऊपर डालेंगे। इससे जायका भी अच्छा हो जाता है और इससे जो बोझ भी नहीं पड़ता। ये ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है प्याज वाला चिकन ये तैयार हो गया है। वैसे मैं कुक नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ और अल्लाह के फजल से वो बहुत ही जो है ना शानदार बन जाती हैं। शानदार इस वजह से कि लोगों को पसंद आ जाती है, मेरे जो घर वाले हैं उनको अगर पसंद आ जाती है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अच्छा देखें, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया, जिसमें जो इजाफी पानी है वो भी जो है ना इवेपोरेट हो गया, और इसका जो अपना घी है या जो इसकी जो अपनी चर्बी की जो चिकनाई थी वो निकल आई है। ये तो अब इसको ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रिसेंटली मैंने एक नया डिश ख़रीदा है, बेसिकली ये है हॉट पॉट, अंदर से ये स्टील का है और बाहर से ये तांबे का है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ख़रीद लिया है, और बहुत ही खूबसूरत है इसका, मतलब एक पुराना एंटीक का एक टच आता है, आलो की एंटीक नहीं है लेकिन वही टच आता है। तो इसी में अब सर्व करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये हमने इसमें डाल लिए, अब इसमें थोड़े से जो है ना ये हरा धनिया हम ये डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल जो है ना इसमें करी कोई भी नहीं होती, खुश्की होता है इसमें, गल ये इतना गया है, ये देखें बिल्कुल चिकन प्रॉपरली गल के। इसके साथ ये तंदूरी नान के साथ देखते हैं इसका जायका। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह, बहुत गर्म है। देखें इसमें जो हमने प्याज डाली थी, हरी मिर्च, वो बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो गई हैं। इसकी बोटी है, देखते हैं। ये नहीं कि मैंने बनाया है, लेकिन वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। टाइम इसमें इतना नहीं लगता, हार्डली 45 मिनट 50 मिनट में ये बन जाती है। ये गोश्त अगर देख लें आप, इंतहाई जो है ना नरम बना हुआ है और इंतहाई लजीज। प्याज, जो दुम्बे की चर्बी है, वो हरी मिर्च सब मिलके जो है ना उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन चुका है उसके आमेजिश का। मस्ट ट्राई आइटम है,
अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा प्लीज़। जज़ाकअल्लाह।